सो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे आरजी न्यू एप्स यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपकी जो स्नैपचैट की फोटोज़ वगैरह हैं, जो भी आप स्नैपचैट पे फोटो अपलोड करते हो, मान लीजिए अगर आपने स्नैपचैट ऐप से कोई फोटो खींचा और उसको उसमें कुछ फिल्टर्स लगाए, कुछ एडिट किया आपने, थोड़ा बहुत एडिट किया, उसके बाद उसको अगर आपने मतलब स्नैपचैट पर अपलोड किया, लेकिन उसके पहले अगर आपने उसको सेव किया था अपने गैलरी के अंदर, तो वहाँ पर सेव के ऊपर जैसे आपने क्लिक किया तो वहाँ पर बता तो दिया कि सेव हो गया, लेकिन आपको आपकी गैलरी के अंदर वो फोटोज़ नहीं दिख रही हैं, ठीक है। तो आप उसको कैसे वहां पर ऐड कर सकते हो अपनी गैलरी के अंदर, वो आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपके गैलरी के अंदर भी शो होना स्टार्ट हो जाएगा, कैसे दिखेगा वो सब आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोगों को। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और ले चलता हूं अपने फोन के स्क्रीन पर, वहां पर आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा देता हूं। सो फ्रेंड्स, आपकी जो स्नैपचैट की फोटोज़ वगैरह है वो अगर आपके गैलरी के अंदर नहीं सेव होती है तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, वो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको स्नैपचैट ऐप ओपन करना और यहाँ पर आप कोई एक फोटो खींच लीजिए, जैसे कि यहाँ पर एक मैं फोटो खींच लेता हूँ, ये वाला यहाँ पर मैंने फोटो खींचा। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी आप छोटा मोटा एडिटिंग वगैरह जो भी करना है वो सब आप कर लेते हो, यहाँ पर मान लीजिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अब आप सेव के ऊपर क्लिक कर देते हो, यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक किया आपने, यहाँ पर लिख के आ गया सेव, तो यानी कि हमें लग रहा है कि हमारा सेव हो गया, लेकिन हम यहाँ पर गैलरी के अंदर आते हैं तो यहाँ पर क्या है कि वो हमारा फोटो ही नहीं सेव होता है। यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कहीं पर भी हमारा वो फोटो नहीं सेव हुआ है, ठीक है। गैलरी में मेरे कहीं पर भी वो फोटो सेव नहीं हुआ, आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो कहीं पर भी हमारा वो फोटो सेव नहीं हुआ है। तब आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको दोबारा से यहीं पर आना होगा, उसके बाद यहाँ पर इसको कट करना है। कट करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आप देखोगे इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, उसके बाद यहाँ पर एक प्रोफाइल का आइकन मिलता है, यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर जैसे क्लिक कर देते हो, उसके बाद फिर यहाँ पर आपको एक सेटिंग का आइकन मिलता है, यहाँ पर सेटिंग वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर भी आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है मेमोरीज का, ठीक है। तो यहाँ पर मेमोरीज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर अभी आप देखोगे लिखा हुआ है सेव वो बटन, तो यहाँ पर आपको इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मेमोरी कैमरा रोल दोनों पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपका मेमोरीज के ऊपर होता है तो इसलिए आपके कैमरा रोल में नहीं जाता, यानी कि आपका जो गैलरी है उसके अंदर नहीं शो होता है। तो अब आपको यहाँ से बैक आ जाना है, बैक आने के बाद अब आपको सिंपली एक और कोई फोटो खींच लेना है इसी तरीके से। यहाँ पर एक मैंने दूसरा फोटो खींचा और इसमें मैं दोबारा से कोई एडिटिंग इस तरीके से कर देता हूँ और फिर यहाँ पर अब मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ। सेव के ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर भी आपको मैं दिखाता हूँ मेरी गैलरी के अंदर वो सेव हुआ है नहीं हुआ, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये फोटो रहा हमारा गैलरी के अंदर सेव हो चुका है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आने वाले समय में मैं किस तरीके की वीडियोज डालूँ, ये भी मुझे एक बार बता देना जरूर।